मेरे पीछे लगी हुई किलर मिनी महिंद्रा थार गाइस भागो भागो, वो देखो कैसे मेरे पीछे पड़ रही है गाइस। मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा। मेरे पीछे किलर मिनी महिंद्रा थार पड़ चुके, भागो भागो फटाफट से यहाँ से गाइस। हेलो गाइस, मैं और सिंचन यहाँ से जा रहे हैं महिंद्रा थार के शोरूम में। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ठीक मेरे सामने महिंद्रा थार का शोरूम है। यहाँ हम लोग खरीदने वाले आज महिंद्रा थार खुद के लिए। तो सिंचन तू यहीं पे रुक, मैं जाके बात करता हूँ शोरूम के मालिक से और जरा एक महिंद्रा थार खरीद के आता हूँ यहाँ पर तेरे पास फिर से। तो आ जाओ गाइस बात कर लेते। सर जी मेरे को ना एक महिंद्रा थार खरीदनी है, यहाँ पर सबसे सस्ती थार कौन सी है? ओ तेरी यार, अरे यार यहाँ पर ना एक भी थार सस्ती नहीं है, सब की सब बहुत ही महंगी है। और जो तू ये देख रहा ना मिनी थार, ये है सबसे महंगी मिनी थार। मेरे पास सिर्फ 3 बचे हुए है, मैंने सब बेच दिए। अगर तुझे खरीदना होगा तो बता मिनी थार, मैं तेरे को बेचूंगा बहुत ही सस्ते प्राइस में। बात तो तू सही कह रहा है गाइस। तो तुम लोग देखो येलो वाला मेरे को बहुत पसंद आया। सर जी येलो वाली मिनी महिंद्रा थार का प्राइस क्या होगा? ओ तेरी यार, अरे वो वाली तुझे पड़ेगी 10 करोड़ रुपए में। अरे गाइस 10 करोड़ रुपया, ठीक है मैं पेमेंट तो कर दूंगा। पैसे कैसे आएंगे पता है? पैसे वैसे आएंगे, आप लोग वीडियो को लाइक करोगे ना, जितना वीडियो को लाइक करोगे उतने पैसे मेरे पास आते रहेंगे। फिलहाल तुम लोग लाइक कर रहे हो तो उससे पहले ना एक ड्राइव तो बनता है, टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं मिनी महिंद्रा थार का। तो भाई चलने में तो बहुत तगड़ी ओपी लग रही है, मेरे को फीलिंग ऐसी आ रही है कि मैं टॉय कार चला रहा हूँ। बट क्या पावरफुल गाड़ी है गाइस, बहुत ही स्पीड भाग रही लिटरली। तो मेरे को तो ये बहुत तगड़ा पसंद आ गया होगा। आई थिंक आप लोगों ने वीडियो को लाइक्स कर दिए रहेंगे और मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। तो चलो चलकर पेमेंट करते और ये गाड़ी को अपने नाम पे करते। फिलहाल देखो गाड़ी को कंट्रोल करना थोड़ा हार्ड हो रहा है, पहली बार टॉय कार चला रहा हूँ तो तुम लोग देख ही सकते हो टॉय कार चलाना कितना हार्ड हो रहा है। तो फिलहाल बड़ी भी थार है यहाँ पर, बट मेरे को मिनी थार में इंटरेस्ट है। तो चलो चलकर ना इसका जो मालिक है ना, जिसका नाम है बैनी, उसको पेमेंट करते पूरी तरीके से 10 करोड़ रुपए, जो कि उसके बाद ये येलो वाली मिनी महिंद्रा थार हमारी हो जाएगी। सर जी मैं आपका बैंक अकाउंट नंबर जान सकता हूँ क्या? उत्ते यार हाँ मैं अभी बताता हूँ, 0000003333445555। ठीक है सर जी पता चल गया और आपका पेमेंट भी राइट नाउ हो गया। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो 10 करोड़ रुपए मैंने दे दिया ये मिनी महिंद्रा थार के लिए और बोल दिया कि मेरे घर पे शाम तक ये डिलीवर हो जाएगा। तो कोई बात नहीं गाइस, फिलहाल ना शाम तक का वेट करना पड़ेगा अपने को इस मिनी महिंद्रा थार को अपने नाम पर होने का। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए ना, जो भी मेरा नाम और सिंचन के नाम पर हो जाएंगे। तो सिंचन ये येलो वाली कार कैसी लगी? तू ये तो बताया नहीं कुछ भी मेरे को अभी तक। अरे फैंकिंग भैया मैं आपको क्या बताऊं, मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद आ गई येलो महिंद्रा थार टॉय कार, मैं भी चला सकता हूँ उसको बैठ के, मजा आएगा। कब आएगी अपने पास ये? अरे तूने सुना नहीं, उसने कहा ना शाम तक पहुंच जाएगी अपने घर पे। अरे ठीक है फैंकिंग भैया चलो चलो फटाफट घर पे चल के वेट करते शाम होने का, फिर महिंद्रा थार को चलाएंगे अपन। यस गाइस, तो फिलहाल ना मैं और सिंचन हमारे घर पे आ चुके हैं, यहाँ पर ना रेस्ट वगैरह करते क्योंकि सुबह हो गई थी, हम लोग वैसे ही चले गए थे महिंद्रा थार को खरीदने के लिए। तो सिंचन अभी काम कर, मेरा तो मन कर रहा है कुछ फ्रेश हो जाओ नहा लूं। तो पहले ना बाइक को, ये बाइक भी बहुत महंगी है, तुम लोग देख सकते हो ये है फ्यूचरिस्टिक बाइक, तो बहुत तगड़ी पैसे वाली बाइक है वो, इसीलिए मैंने उसको गैराज में पार्क कर दिया, कोई चोरी ना कर दे। फिलहाल ना मेरा मन कर रहा है, गर्मी हो रही है और ठंडा भी लगना चाहिए। तो चलो गाइस आ जाओ स्विमिंग पूल में जंप मारते और नहाते और वेट करते शाम होने का, जरा चिल करेंगे खाएंगे पिएंगे। अरे सिंचन कहाँ पर रह गया, आजा आजा तू भी आजा स्विमिंग पूल के अंदर। अरे फैंकिंग भैया नहीं मेरे को पानी से डर लगता है, मेरे को स्विमिंग करना नहीं आता है। अरे दोस्तों देख रहे हो सिंचन इतना बड़ा हो गया, इसको स्विमिंग करना नहीं आता है। तुम लोग यार बताओ सिंचन को स्विमिंग करना सिखाओ यार कोई ना कोई, तो आज सिंचन मैं तेको सिखाता हूँ। अरे फैंकिंग भैया नहीं हम लोग को तो वेट करना है शाम होने का, मजा आने वाला शाम को। तो फाइनली गाइस शाम हो चुकी है और बैनी का मेरे को फोन आ गया था कि उसके जो आदमी ना उन्होंने डिलीवर कर दिया। बट चॉप तू घर के अंदर क्यों पॉटी करता है यार? देखो गाइस ये चॉप ना पागल हो गए, घर के अंदर पॉटी कर रहा है, देखो तो बाद में देखता हूँ। फिलहाल ना खुशी का ठिकाना नहीं क्योंकि हमारे घर पे डिलीवर हो चुकी है हमारी मिनी महिंद्रा थार। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो गाइस ये रही हमारी मिनी महिंद्रा थार। सिंचन आ जा यार अब वेट नहीं हो रहा, चल आ जा चलते लॉन्ग ड्राइव पे, मन कर रहा है चल बीच पे चलते, वहां जाने के बाद ना अपनी मिनी महिंद्रा थार को चला के मजे करते। तो चलो गाइस सिंचन को बिठाते और निकलते बीच की तरफ और तगड़ा मजा आएगा बीच में गाड़ी चलाने को अपनी महिंद्रा थार को। अरे फैंकिंग पे चलो चलो फटाफट पानी के पास से लेना, पानी उड़ेगा तो बहुत मजा आएगा, ठंडा ठंडा पानी लगेगा मिनी महिंद्रा थार में अपने को। बात तो सही कह रहा। तो गाइस फिलहाल ना यहाँ से निकालते और लेकर चलते अपने बीच की लोकेशन जो कि लॉस सैंटोस का एंड है गाइस। तो फिलहाल तुम लोग देख सकते हो गाइस हम लोग बीच पे आ चुके और ओ भाई क्या ही तगड़ी स्पीड और पानी का जो उड़ रहा है ना भाप, ओ माय गॉड बहुत तगड़ा मजा आ रहा है। सिंचन क्या बात है यार, हमारी मिनी महिंद्रा थार तो बहुत ओपी है गाइस। फिलहाल रुको रुको गाइस इसमें ना थोड़ा पेट्रोल कम है, तो रुक सिंचन मेरे को पता है कि आजू बाजू कहीं ना कहीं पेट्रोल
पेट्रोल पंप है, तो एक काम करते चलकर ना पेट्रोल भरा लेते, क्योंकि शाम हो रही, रात हो गई, तो शायद से पेट्रोल पंप बंद भी हो जाएगा। लॉस सैंटोस में ना शाम होती है पेट्रोल पंप वगैरह बंद हो जाते, तो ठीक मेरे सामने पेट्रोल पंप है गाइस, तो आ जाओ चलते अपन वहाँ पर और देखते कोई है या नहीं। फिलहाल तो यहाँ पर कोई दिखाई मेरे को दे नहीं रहा है। शिनचैन एक काम करते, इनका जो ऑफिस है अंदर की तरफ वहां चलते और पूछते कि भाई कोई है या नहीं, क्योंकि हमको तो पेट्रोल चाहिए। तो तुम लोग देख ही सकते हो गाइस, पूरे एरिया में लाइट जल रहा है बट कोई है नहीं। तो यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस 169, भाई बहुत ही महंगा है, बट कोई बात नहीं। फिलहाल तो कोई भी यहाँ पर दिखा नहीं दे रहा, ये मेन गेट तो बंद है। शिनचैन आजा पीछे वाली गेट पे चल के देखते है, बे कोई है क्या? एक्सक्यूज मी, खोलो खोलो मुझे पेट्रोल भराना है, कोई तो आ जाओ यार। शिनचैन आजा, तू भी चिल्ला जरा, बुला किसी को भाई जल्दी से। चीन टपाक डम डम, मैं हूँ किलर जोकर और मेरे इलाके में एक गाड़ी आई है और मेरा काम होता है उन गाड़ियों को किलर कार बनाना। अरे ये तो कोई मिनी कार है, टॉय कार है, रुक जाओ, इसको भी मैं बना दूंगा एक किलर मिनी टॉय कार। इसका नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, बट जैसी मैं बोलूंगा चीन टपाक डम डम, बन जा तू गाड़ी किलर कार की, और जो भी तुझे चलाएगा सबसे पहले उसको तू मार गिराना, खा जाना कच्चा। चीन टपाक डम डम, मेरा काम हो गया, ये गाड़ी किलर कार बन चुकी है। ही लिटरली गाइस, कोई भी मिला नहीं मेरे को यहाँ पर, तो शिनचैन कोई बात नहीं, फिलहाल थोड़ा तो पेट्रोल लेके अपन घर पे जा सकते हैं। तो चल बेटा आजा फटाफट घर पे चलते, यहाँ से बहुत रात हो चुकी है। अरे फैंकिंग भैया ये क्या हो गया, अपनी गाड़ी में से रेड लेट लाइट क्यों आ रही है? मुझे कुछ डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई तू बात तो तू सही कह रहा है, और रात भी बहुत लेट हो चुकी है, कोहरा हो चुका है और कोई भी इंसान यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। भाई शिनचैन गाड़ी को भगाते फटाफट घर की तरफ चलते यार, क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा है। गाइस तुम लोग देखो अंधेरा इतना ज्यादा हो चुका है, शिनचैन अभी काम करता हो, भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझे डर भी लग रहा है, अभी काम करते, तू चले जा अपने रूम पे जाके सो जा, मैं भी जा रहा हूँ भाई अपने रूम पे सोने के लिए, और डायरेक्ट तेरे को सुबह मिलूंगा, क्योंकि भाई अभी मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, पेट्रोल भी अपने को मिला नहीं है, तो कल सुबह अपने को सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, पेट्रोल पंप। बाजू में ये पेट्रोल पंप एक नया वाला खुला हुआ है, तो वहीं पे जाके पेट्रोल अपन भरा लेंगे। फिलहाल तो गाई शिनचैन को बोल दिया, शिनचैन ऊपर सोता है, मैं सोता हूँ नीचे, और ये चॉप पता नहीं कहाँ पर गायब है। रात को पता नहीं चॉप कहाँ पर गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ चले जाता है। फिलहाल तो छोड़ो उसको, कोई भी देख लेंगे अपन किसी और दिन, अभी तो भाई थक भी गया और नींद भी बहुत तगड़ी आ रही है। तो चलो गाइस मैं तो चला सोने, मिलता हूँ तुम लोगों को कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट, मॉर्निंग में मिलता हूँ गाइस तुम लोगों को। अरे यार दोस्तों मेरे को ना नींद लग गई थी, बट पता नहीं अचानक नींद खुल गई और यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा अंधेरा, मैं फैंकिंग भैया को आवाज कर रहा हूँ, फैंकिंग भैया मेरी आवाज सुन भी नहीं रहे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर इतना अंधेरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो दोस्तों बाहर भी कोई गाड़ी नहीं चल रही, इतनी रात को तो गाड़ियां चलती है, कोई ना कोई भी नहीं दिखाई दे रहा मेरे को ना। शिनचैन बहुत ज्यादा डर लग रहा है दोस्तों, फैंकिंग भैया भी नहीं मिल रहे मुझे, फैंकिंग भैया बचाओ, कहाँ पर फैंकिंग भैया? अरे दोस्तों ये क्या हो गया, ये गाड़ी अपने आप कैसे चालू हो गई, गाड़ी के अंदर कोई बैठा भी नहीं है, फैंकिंग भैया भी नहीं बैठे, मैं भी नहीं बैठा, तो गाड़ी को चला कौन रहा? अरे गाइस ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो मेरे पीछे आ रहा है, भागो भागो दोस्तों, पता नहीं मैं फैंकिंग भैया को आवाज भी नहीं दे पा रहा, फैंकिंग भैया आ जाओ बचा लो मेरे को, ये जो अपनी मिनी तार है ना मुझे मार रही है, अपने आप चल रही है इसके अंदर ना। गाइस मेरे को लगता है भूत घुस गया है मेरे को ना, बहुत डर लग रहा है, कोई तो बचा लो मेरे को यार, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, ये मेरे को नहीं छोड़ेगा। गाइस ये किलर मिनी महेंद्र तार बन चुकी है जो मेरे को मार रही है। यार फैंकिंग भैया बचाओ, फैंकिंग भैया आ रहे, आ जाओ फैंकिंग भैया, देख रहे हो क्या हो रहा है आपके साथ? मेरे को ना फैंकिंग भैया को मना करना चाहिए था, ये वाली गाड़ी को मत खरीदो, ये गाड़ी के अंदर किलर भूत है, किलर मिनी महेंद्र तार है दोस्तों, मैं तो गया दोस्तों, मुझे कोई बचा लो दोस्तों। अरे दोस्तों मैं ना पूरी रात वहीं पे बेहोश पड़ा था, पता नहीं वो किलर मिनी महिंद्रा तार कहाँ पर चली गई, ये फैंकिंग बैग कहाँ पर रह गया, फैंकिंग बैग कहाँ पर, अरे यहाँ पर आप बॉडी बना रहे हो वहाँ पर, चलो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया यार, मैं तो पूरी रात बाहर सोया था, मेरे को डर लग रहा है, क्या बात कर रहा है शिनचैन। गाइस तो शिनचैन ने मेरे को सब कुछ बताया, उसने कहा रात को पूरा अंधेरा हो गया था और किलर मिनी महिंद्रा थार बन गई थी और उस पर अटैक कर रही थी, बात तो सो सही कह रहा है। गाइस तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी के फुटप्रिंट है, तो गाइस मेरे को क्या लग रहा है ना शिनचैन एकदम सही कह रहा, बट वो गाड़ी है कहाँ पर गाइस मेरे को ढूंढनी पड़ेगी। तो शिनचैन को बोलता हूँ कि शिनचैन तू यहीं पे रुक, मैं ना जाके ढूंढता हूँ जो किलर मिनी महिंद्रा थार है, पता नहीं कहाँ पर रह गई है, चलो गाइस फटाफट चल के ढूंढते कि वो एक्चुअल में कहाँ पर है। तो शिनचैन तू घर से बाहर मत निकलना, घर के अंदर रहना, पता नहीं वो किलर मिनी महिंद्रा थार कब किसका क्या बिगाड़ दे। तो गाइस मैंने शिनचैन को बोला तू घर पे रुक, तो चलो फटाफट देखते कि किलर मिनी महिंद्रा थार कहाँ पर है। गाइस कब से मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे मिल नहीं रहा है, बट एक मिनट रुको, ये क्या मेरे पीछे लगी हुई किलर मिनी महिंद्रा
रहा है तार। गाइस भागो भागो, वो देखो कैसे मेरे पीछे पड़ रही है। गाइस मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा। मेरे पीछे किलर मिनी महिंद्रा थार पड़ चुके। भागो भागो फटाफट से यहाँ से गाइस, कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसको मुझे मारना पड़ेगा, एक मिनट रुको गाइस, मुझे इसको मारना पड़ेगा, बट कैसे मारूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गन्स वगैरह से मारूंगा तो शायद से कुछ हो सकता है, बट यार फिलहाल यहाँ से निकलने दो मेरे को, क्योंकि वो मेरे पीछे ही आ रहा है। तुम लोग देखो गाइस कैसे वो मुझ पे हमला कर रहा है यार, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसे जंप मारता हूं गाड़ी को, फटाफट से लेट्स गो। वो पीछे आ रहा है क्या मेरे को देखने दो। गाइस वो मेरे पीछे अभी भी आ रहा है यार। गाइस ये क्या चीज है, कैसे ये बन गया किलर मिनी महिंद्रा थार। कल रात को ये शिनचैन पे अटैक कर रहा था और आज मेरे पे अटैक कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? क्या आप लोग जानते हो किलर मिनी महिंद्रा थार के बारे में? मैं तो कभी नहीं जानता, बट मैंने सुना था किलर कार के बारे में, फिलहाल देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम। लेट्स गो गाइस, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहिए ना गाइस मेरे को इसको हराने के लिए। और मेरे पीछे ही पड़ा है, रुको रुको यहाँ से जंप मारता हूँ गाइस, जंप मारते लेट्स गो। यस गाइस, ओह माय गॉड, नहीं नहीं नहीं, ओह शिट 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 गाइस, क्या हो गया, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। गाइस मैंने अभी गन निकाल लिया क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। अब इसके ऊपर लेजर गन से अटैक करते हैं, और अब तो लेजर गन इतना पावरफुल है ना कि ये एक शॉट में नहीं मरा भाई, मेरे को लगा था एक शॉट में मर जाएगा, बट सेकंड शॉट। अबे यार तुमको पता है लेजर गन कितना पावरफुल है भाई, कोई भी इंसान या गाड़ी या कुछ भी इससे नहीं बच सकता, बट ये किलर मिनी महिंद्रा थार बच रही है। एक मिनट रुको, अब मुझे निकालना पड़ेगा मेरा ब्रह्मास्त्र। यस गाइस मैंने निकाल लिया मशीन गन, ये वाली जो मशीन गन है मोस्ट पावरफुल वेपन है। अब तू कैसे बचेगा बेटा किलर मिनी महिंद्रा थार, लेट्स गो। फाइनली गाइस मैंने किलर मिनी महिंद्रा थार का चैप्टर क्लोज कर दिया। आई थिंक सो, और अभी यहाँ पर तुम देख ही सकते हो ये जल के राख हो चुका है, इसी ने मेरे को बहुत तंग किया, शिनचैन के ऊपर अटैक किया, बट यहाँ पर उसका मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया। बट मैं नहीं जानता ये किलर मिनी महिंद्रा थार कैसे बन गया, अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताओ फटाफट कि कैसे बन गया किलर मिनी महिंद्रा थार। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं।